जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, इस वीडियो में ये वर्किंग समझेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड का एज अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हमने पिछले वीडियो में पूरी वर्किंग समझी थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूज और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या कहलाती है, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो डायोड का, सेमीकंडक्टर डायोड का यूज एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर किया जाता है तब ओनली वन डायोड इज कनेक्टेड। वेयर एज द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर जब हम यूज करते हैं तो हमको दो डायोड की जरूरत पड़ती है। इसका सर्किट किस प्रकार से होता है ये हम देखते हैं यहाँ पर। सर्किट डायग्राम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना जरूरी है एंड देन हम डिस्कस करेंगे द वर्किंग ऑफ दिस रेक्टिफायर। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पर आप एक स्पेशल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट इज रिटन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर इस तरह का होता है, एज वी ऑल नो ट्रांसफॉर्मर में एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गई प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें जो प्रोसेस होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन एंड दैट्स वाई ये लाइनिंग लगाकर हम म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। सो वी ऑल नो दैट ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर बात आती है सेंटर टैप की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर टैप, जैसे कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है सेंटर। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके सेंटर से कनेक्शन किया जाता है। जो भी हमारा कनेक्शन होगा इन द केस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो वहाँ पर हम जो कनेक्शन करेंगे वो इस पूरी कॉइल के दो पार्ट बना दिए जाएंगे, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट, और इस तरह से ठीक इस बीच वाले पॉइंट से हम कनेक्शन करेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेंटर टैप। ऑल्दो ये सेंटर टैप जो प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये पूरी सेकेंडरी कॉइल कंप्लीट टर्न्स यूज़ नहीं हो पाएंगी। एक पार्ट में ये टर्न्स अपना रोल दिखाएंगी और एक पार्ट में ये टर्न्स। तो दैट्स वाई सेंटर टैपिंग बहुत अच्छी प्रोसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्लास 12th के प्रोसेस में जो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हमको समझनी है वो इसी प्रकार से समझनी है। सेंटर टैपिंग कौन से केस में नहीं यूज़ की जाती, तो वो एक अगेन फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है, लेकिन उसका नाम है ब्रिज वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, सेंटर टैपिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पर चार डायोड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में उसकी वर्किंग नहीं है, सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस हाफ फुल वेव रेक्टिफायर इन द केस वेयर टू डायोड्स आर यूज्ड एंड अ सेंटर टैपिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। तो आई होप कि जो ये टू डायोड्स के यूज से हमको फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है तो उसमें ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर टैप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये एक प्राइमरी कॉइल है और इस प्राइमरी कॉइल से क्या कनेक्ट किया जाएगा, तो वी विल कनेक्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। तो ये तो इनपुट हो गया जो कहाँ अप्लाई होना है, प्राइमरी कॉइल पे। ये हुई सेकेंडरी कॉइल जिसमें ये शो किया है सेंटर टैप, और कनेक्शन देखिए किस प्रकार से है। सेकेंडरी कॉइल से यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट किया है जिसका नाम क्या दे दिया, डायोड वन। तो सेकेंडरी कॉइल से पहले एक डायोड, दूसरे जो एंड है सेकेंडरी कॉइल से उससे दूसरा डायोड कनेक्ट कर देना है डायोड टू। इन दोनों ही डायोड के कनेक्शन को एक पॉइंट जहाँ हमको आउटपुट लेना है ये एक्स पॉइंट, तो इस कनेक्शन को एक्स पॉइंट से शो किया, और जो आउटपुट हमको चाहिए उसका जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ अ वाई पॉइंट। तो इस वाई पॉइंट या हम कह सकते हैं एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया एक्स वाई के बीच में, और इस लोड रेजिस्टेंस का जो अनादर एंड है वो कहाँ ले गए हैं, तो आप देख सकते हैं उसको सेंटर टैपिंग की गई है।
तो ये यूज़ किया गया है सेंटर टैपिंग का. इसका रीज़न ये है कि जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी तो उसके एक हाफ साइकिल में यदि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 आ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में. इन दैट वे सेंटर टैपिंग करने से हम दोनों डायोड को यूज़ कर पाएंगे. एक डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा एट दैट टाइम सेकेंड डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा एंड वाइस वर्सा. जब D2 डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो D1 डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा. तो इस तरह से जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में वाइल जब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि रेक्टिफायर का डायोड यूज़ करने का प्रिंसिपल क्या है. अगेन यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. तो जो रेक्टिफायर है उसमें डायोड का एप्लीकेशन करने का क्या प्रिंसिपल है कि डायोड का जो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ डिक्रीज होने लग जाती है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. वेयर एज जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ने लग जाती है रिवर्स बायसिंग के केस में एंड देयर फॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन द रिवर्स बायस इज वेरी लार्ज. तो ये प्रिंसिपल है. जस्ट आप दो पॉइंट्स याद रख सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस. दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन. अब यहाँ पर हमने स्पेशली दो डायोड यूज किए हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं कि किस तरह से इन दो डायोड के यूज से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस दिखा सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो इनपुट कनेक्ट किया है इस तरह का, अब उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, यानी कि ये वाला जो एंड है वो आ गया हाई पोटेंशियल पर, जबकि ये वाला जो एंड है इट विल बी एट लो पोटेंशियल. तो इसको नेगेटिव से शो कर सकते हैं. एज वी ऑल नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द अप्लाइड एसी, इस साइकिल के लिए, तो देखिए इस साइकिल के लिए मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है फ्रॉम दिस एंड, हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, सपोज दिस इज वन एंड एंड दिस इज टू एंड. तो करंट अगर मान लीजिए वन एंड से टू एंड की तरफ फ्लो हो रही है इन द केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल. अब इस ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस होगी एंड दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों किया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि डायोड को बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर शार्पली करंट इंक्रीज हो गई, ब्रेक डाउन प्रोसेस हो गई डायोड में और शार्पली अगर करंट इंक्रीज हो गई तो डायोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा एंड डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. दैट्स वाई हियर द ट्रांसफॉर्मर यूज इज स्टेप डाउन. इट इज जस्ट अनदर पार्ट, लेकिन यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं हाई पोटेंशियल कहाँ आ गया एंड वन पे और लो पोटेंशियल हो गया एंड टू पे. करंट इस तरह से फ्लो हो रही फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल. म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस होगी तो एंड थ्री पे क्या पोटेंशियल होगा और इस एंड पे सेकेंडरी कॉइल के इस एंड पे जिसका नाम थ्री से शो किया है किस प्रकार का पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल, और एंड फोर पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल. ये होगा यहाँ पर एंड थ्री पे हाई वी और यहाँ पर होगा लोअर पोटेंशियल. ऐसा क्यों होगा, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एज वेल एज लेंज लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट अपोजेज द कॉज बाय विच इटसेल्फ इट इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसके पास क्या आ गया, हायर. अब ये हायर पोटेंशियल किसको मिल रहा है, डायोड वन को. देखिए ये जो डायोड है वो इस प्रकार से है, ये है हमारा डायोड वन, इसको यहाँ पर मिल गया हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस एंड. सो दिस डायोड D1 विल कम इन फॉरवर्ड बायस. एट द सेम टाइम यदि हम डायोड टू को देखें तो देखिए ये जो डायोड टू है इसको क्या मिल रहा है, तो इसको इसके एन साइड
इसको क्या मिल रहा है, तो इसके एन साइड यहाँ सेंटर टैपिंग हो चुकी है, तो सेंटर टैपिंग होने पे देखा जाए तो पोटेंशियल डिवाइड हो चुका है, तो एट द सेम टाइम इसको क्या मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है यहाँ पर, या आप सीधे सीधे यहाँ से देख लीजिए, ये जो फोर एंड है ये नेगेटिव एंड है, तो सीधे से हम बात कर सकते हैं कि ये जो डायोड टू है इसके पी साइड को क्या मिल गया, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जब ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से इस तरह से ऐसी करंट फ्लो हो रही है, इन दिस केस डायोड वन आ चुका है फॉरवर्ड बायसिंग में, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सीधी सी बात है डायोड वन आ चुका है फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग इज अ कंडक्टिंग स्टेट, डायोड कंडक्ट करेगा क्योंकि उसका जो जंक्शन है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाएगा। तो यही तो फैक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है दैट इज़ वेरी लो, वेयर एज एट द सेम टाइम डायोड डी टू आ चुका है रिवर्स बायस में, तो उसका रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो वेरी हाई। यानी कि इन दिस केस डायोड डी वन कंडक्ट करेगा, लेकिन डायोड डी टू कहाँ होगा, तो डायोड डी टू होगा कट ऑफ स्टेज में, तो ये है कट ऑफ में, जबकि ये है कंडक्टिंग स्टेट में। जब ये डायोड D1 कंडक्टिंग स्टेट में है तो हमको X से Y तक एक करंट का फ्लो मिलेगा और एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इन दिस वे देखा जाए तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था AC का, आउटपुट में भी क्या होगा, जैसे जैसे AC बढ़ेगी आउटपुट में भी इस डायोड D1 का फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ने लगेगा, तो आउटपुट में भी ये बढ़ता हुआ मिलेगा, फिर जैसे जैसे ये कम हो रहा है तो ये भी कम होता हुआ, यानी सेम कर्व ट्रेस हो जाएगा डायोड D1 के कारण, बट एट द सेम मोमेंट डायोड D2 विल नॉट कंडक्ट। अब ठीक रिवर्स प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC चलेगा, तो अभी हमने करंट ऐसी सपोज की थी, अब करंट फ्लो होगी इस तरह से। अब जब करंट ऐसी फ्लो होगी, जब ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सेकेंड हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, इन दैट केस यदि ये एंड हायर पोटेंशियल पर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो लेंज लॉ से और इस म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से ये एंड हुआ नेगेटिव और ये एंड होगा पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव किस डायोड पे अप्लाई हो गया, डायोड D2 पे, दैट मीन्स नाउ D2 डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, वेयर एज डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस। अब क्या होगा, डायोड D2 आ गया कंडक्टिंग स्टेट में, जबकि डायोड D1 विच इज बीइंग रिवर्स बायस, तो ये हो गया कट ऑफ स्टेट में, तो डायोड D1 अब कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, लेकिन ये सेंटर टैपिंग की वजह से आप देख सकते हैं अब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब ये सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है, अगेन हमको इस RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसमें फिर से करंट देखिए एक्स से वाई की तरफ ही होगी, ऐसी करंट होगी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो इन दैट वे अगेन जो ये रिवर्स साइकिल था, अभी जो ये AC अप्लाई हुई थी तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ट्रेस हो चुका था, लेकिन अब जो ये नेगेटिव था वो भी क्या बन चुका, तो ये भी अब हमको सेम डायरेक्शन में एक्स से वाई में करंट फ्लो होने के कारण RL के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम दिशा में मिलेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये बढ़ेगा, फिर ये कम हो रहा है ये भी कम हुआ, लेकिन अब जो वोल्टेज मिल रहा है वो पूरा एक ही दिशा में। तो यहाँ पर ग्राफिकली आप देख सकते हैं शो किया हुआ है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है वेव फॉर्म का, तो ये जो ग्राफ है इट इज़ इनपुट अप्लाइड। अब जो फर्स्ट यहाँ पर ग्राफ है और जो सेकंड है, तो देखिए इनपुट अप्लाइड के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट किया, जबकि इनपुट अप्लाइड का जो नेगेटिव हाफ साइकिल था उसको इस तरह से ट्रेस कर दिया है, इसमें D2 ने कंडक्ट किया। तो एक बार D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है तब D2 डायोड कट ऑफ स्टेट में आ रहा है, फिर D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है तो D1 डायोड कट ऑफ स्टेट में आ रहा है। इन दिस वे ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसकी हमने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की, फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, व्हाई डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। तो आई होप कि डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड या PN जंक्शन डायोड किस प्रकार से रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया जा सकता है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई देम।
तो स्टे कनेक्टेड, अवर ऑफिशियल वेबसाइट इज magnetbrains.com. इस वेबसाइट पे आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के वीडियोस एंड नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, थैंक यू.